शहीद आजम भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनके साथ ही दो और क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। इस फांसी को नहीं रुकवाने की बात कहकर कथित सावरकरवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर प्रश्न खड़े करते हैं कि वे चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे। इसकी बात हम बाद में करते हैं। पहली बात तो यह है कि शहीद आजम भगत सिंह स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके। उनके पिताजी ने जब ट्रिब्यूनल में स्पेशल ट्रिब्यूनल में आवेदन किया तब भगत सिंह ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में उन्होंने इसी पत्र में लिखा कि मेरे पिता इस इम्तिहान में नाकाम रहे। कांग्रेस की तरफ से भगत सिंह की पैरवी करने वाले या उनके कागजात तैयार करने वाले कांग्रेस सदस्य आसिफ अली थे। वैसे मुकदमा स्वयं भगत सिंह ने लड़ा था। साथ ही एक आरोप लगाया गया कि कांग्रेस का कोई भी नेता भगत सिंह से मिलने के लिए नहीं गया। यह सच नहीं है। स्वयं जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने के लिए जेल के अंदर गए थे और प्रमाणिक दस्तावेज है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिनके लिए कहा जाता है कि वे चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे। सच ये है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे प्रयास किए लेकिन कानून राजनीतिक बंदी और आपराधिक बंदी में अंतर करता था। स्वयं गांधी जी ने लिखा है कि भगत सिंह की बहादुरी के लिए हमारे मन में सम्मान आता है लेकिन मुझे ऐसा तरीका चाहिए जिसमें खुद को न्योछावर करते हुए आप दूसरों का नुकसान न पहुंचाएं कि लोग फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाएं। उन्होंने लिखा, भगत सिंह और उनके साथियों से बात करने का मौका मिला होता तो मैं उनसे कहता कि उनका चुना हुआ रास्ता गलत और असफल है। गांधी जी ने कहा है कि मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी मैंने इस्तेमाल की। अंत में उन्होंने महात्मा गांधी ने भगत सिंह और फांसी पर चढ़े युवाओं के लिए कहा, इन वीरों ने मौत के डर को जीत लिया था, उनकी वीरता को नमन है।